और एक बार विजय वहां पर पास निकलने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर विजय पास हो गया है। इसी बीच वहां पर भी गेंद को लेकर के पास रहा गया इस बार विजय स्वर्ण गेंद के पीछे, लेकिन विजय जब तक गेंद तक पहुंचते उससे पहले गोपी वहां गेंद को अपने ग्लव्स में ले लिए। दोनों गोलकीपर बहुत ही एक्टिव है, गोपी उराव सिपारी टीम से जबकि यहाँ पर बरहरमा टीम से चांद मुर्मू जैसे गोलकीपर है। नो नंबर ओडेखन साइलेंट अडिमज फ्री रे जाम का ओडेखन अडिमज गति लहाव कर रहे हैं अंदर टिकु लगी, लेकिन नोडे हुआ मिटे फॉल। क्या इस खतरे से बच पाएंगे बरहरमा की टीम? इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क इस फ्री किक से। इस बार शॉट लेने के लिए वहां पर रोहन माधु का शॉट, लेकिन बाल से टकराने के बाद गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई और वहां एक कॉर्नर। अगला मैच के लिए दोनों टीम के जो टीम ने लंबा शॉट लगाया वहां पर गेंद के पीछे विजय सोरेन, विजय ने पास बढ़ाने का प्रयास जरूर किया था वहां पर लाइसेंस के लिए, लेकिन ओपोनेंट टीम वहां से गेंद को क्लियर किए गेंद वहां टच लाइन से बाहर। और इसी बीच चेंजिंग का इशारा आ रहा है, सिपारी टीम से नो आउट और उसकी जगह पर नए खिलाड़ी दो नंबर आएंगे, ये भी होपन बाबू होंगे। होपन बाबू भी है ये साइलेंट की जगह पर रिप्लेस होकर के आए हैं ग्राउंड पर। संग्राम जी ने पास बढ़ा दिया है, इस बार मौका बढ़ेगा शॉट लिया वहां पर लाइसेंस गुरु ने, लेकिन शॉट पर उतना गति नहीं दे पाए लाइसेंस जी, इसलिए कोई ज्यादा परेशानी हुआ नहीं वहां पर गोपी को। और एक बार वहां पर विजय तगड़ा दंदरा था वहां पर शॉट विजय सुरेन का। अब वाकई में विजय जब भी शॉट लेते हैं बॉल में गति होता है भाई, गेंद की दिशा को इस प्रकार से भाप लिया और गेंद को बाहर निकालने में सक्षम हुए। शूटर दम देखना था सचिन था और सब्स्टिट्यूट बेंच से जो चल करके आए हैं यहाँ पर होपन बाबू भी यहाँ डिफेंसिव जोन को मजबूती दे रहे हैं। और अपने टीम को 2-1 का स्कोर से अपने टीम को मजबूती देंगे। और थोड़ा सा वहां पर स्लिप होते हुए प्रधान सी उपठिकरी ने गेंद को बहुत ही सुंदर रखा है अपने पास, पास बढ़ा दिया वहां पर, क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे बोरम, लेकिन जब तक गेंद को ले पाते वहां पर होपन बाबू भी ने गेंद को क्लियर किया। इसे में वहां पर 6 नंबर सी का क्लियरेंस और वहां पर 8 नंबर जिस तरीके से होपन बाबू ए है वहां पर राजन किसको को खेला। इसे में सी ने वहां पर लाइसेंस के लिए इस बार पास बढ़ा दिया है उमेश सोरेन 16 नंबर, उमेश वहां पर गेंद को प्ले में रोकने का संग्राम लेकिन गेंद पहुंच गई सीधे गोपी के ग्लव्स में और कीपर इतना बेहतर योगदान दे रहे हैं दूसरे टीम के कीपर ने। अभी तक जो इनका प्रदर्शन रहा है गोलकीपर का अपने टीम के लिए 100% देने का भरपूर प्रयास, क्योंकि जिस प्रकार से अभी का जो कीपर प्रधान सरन पास निकाल मंडी बच्चे भगवान मंडी भगवान मंडी 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 यहाँ से कॉर्नर किक करने का मौका मिल जाएगा। विजय दूर से एक शॉट ट्राई करेंगे,
गेंद फ्रेम पर आता, लेकिन थोड़ा सा जल्दीबाजी में लिया गया शॉट, वहां पर ऑफ टारगेट में चली गई। और जिस प्रकार से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे समय बढ़ती जा रही है, बना टीम से खुद अड़ी उड़ा सुरा निधि किन गति के उन्हें खुद मौका को बनाव बना मन खान बनांग रही उन्हें गोपी अड़ी मोच पोजीशन बनाव कर उन्हें बॉल आया ग्लब से हिसाब के नाम ओपन बबूटे बॉल ओपन बबू उन्हें नसीना देख पास उन्हें गति का राजन लगी इसी बीच आठ नंबर पे बॉल होपन बाबू अडी मोच ना बोले हटिन लाव का निया क्रम रे रन से गति के रन से दो होपन बाबू सीधन थे बॉल सीधन दे बैक पास रन से लगी और इधर क्रम रे उड़े बीचे फाउल लग ये क्रम रे बॉल लड़ी जोराय जोराय खुदा उका गया टिकू मैं खा टिकू हो एन बोल थे या उका बैलेंस है के ना उन्हें बरकरार बाई धो दाई ना निया क्रम रे उन्हें कौन बॉल वापसी के ना सोटे लगा ले गया मनोज बनकान बॉल डिफ्लेक्ट हुआ ना बनकान रिकवरी अच्छा हुई क्या ना उन्हें राजन से कम पासे बहाव का दहे गया बनकान उन्हें ऑफसाइड ना गोल है जुआ उन्हें कौन लाइसन बोले खुदा उठिए दासे बांग क्या गेंद को कनेक्ट कर पाएंगे जी हाँ वहां पर लाइसन ने गेंद को कंट्रोल कर लिया है सीव को खेला सीव का क्रॉस बहुत ही बेहतर वहां ब्रोन के लिए लेकिन ब्रोन वहां पर फर्स्ट टाइम गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और ऐसे में गेंद भी मजदूर एकता क्लब शीत पहाड़ी के खेमे में पास बढ़ाया मनोज को लेकिन वहां पर गेंद को लेने में सक्षम हो चुके हैं इस बार वहां सोनू कुमार हंसदा पास बढ़ाया जरूर लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम पास आहिस्ता आहिस्ता मैच में एक रफ्तार आता बाप एक छल लय नजर आता बाप उमेश ने पास बढ़ाया प्रधान को प्रधान वहां पर लाइसेंस के लिए लाइसेंस के पास गेंद लाइसेंस वहां पर मौका तलाश रहे थे सो ट्राई करने के लिए लेकिन कोई कसर नहीं छोड़े वहां पर मनोज हर हाल में उनको बहुत ही बेहतर तरीके से कवरिंग करके गेंद को निकाला लेकिन एन मौके पर वहां पर गोपी ने गेंद को अपने ग्लव्स में ले लिया साइलेंट जैक्सन वहां पर गेंद को कंट्रोल करने के बाद बहुत ही सुंदर गेंद को रखे है अपने पास यहां से छह नंबर सीव के लिए गेंद सीव ने पास बढ़ा दिया है इस बार सीवधन किसको के लिए सीवधन ने पास बढ़ाया वहां पर टिक्कू के लिए लेकिन मौके पर अच्छा वापसी हो गया है वहां पर राजेश के द्वारा पंद्रह नंबर संग्राम जी वहां पर विजय सोरेन विजय ने गेंद खोलने के बाद पास निकाला जरूर है वहां इस बार क्या मौका बनाएंगे उमेश सोरेन लेकिन अभी भी पेनल्टी छत्र के आसपास में गेंद लेकिन डेंजर जोन से गेंद निकल चुका है बावर गुडे प्लेयर से रिमोच भेज के उन्हें बोल अडी मुझे हटी लाओ का गया मन खान दुढ़ा आएगी उन्हें बोले रिकवरी का प्रधान मीठे गोल देखो तयम गया मन खान जहां ना मेमन अडी मुश्किल गया उन्हें खुद बॉल जिन पारोम चुके उकन है यार प्रधान खुद उन्हें आएगी पोस्ट से सूट लगी क्रूम टुल्ला जनी बनका दिया क्रम रे बॉल उन्हें पोस्ट को नुकवा तैयारी हो अडी मौज या सितुम कौन बंचाव लगी व्यवस्था अडी मौज को लगाओ का डायरेक्ट और हमको लगता है ज्यादा वर्क भी नहीं है फर्स्ट हाफ का गोल है गोल है लाइसन टू डू और एक बेहतर फिनिशिंग मारा देते हैं और हमको मार दिया है इसलिए प्लेयर से रिक्वेस्ट रहेगा उसका आप अनुपालन करें हमको छप्पा तो चिकन बहुत नीर ब्लॉक ना तो हम कहाँ बताएं
रिसोर्ट नाम का डायरेक्शन हजू का बताओ पे उन्हें रेफरी का डिसीजन को हटाओ। रिसोर्ट का वहां पर डायरेक्शन मिल गया मैच रेफरी के द्वारा, उसको पूरा भुला पाएंगे शॉट करने के लिए वहां पर लाइसेंस। और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग।